नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। रोहतक में महम के एसडीएम मेजर गायत्री अहलावत ने रोहतक जिले के गांव भेड़ी महाराजपुर, भेड़ी चंद्रपाल और भेड़ी मानतो गांव का दौरा कर कोविड 19 की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घर घर जाकर गठित की गई टीमों की ओर से जांच का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से दो प्रकार की टीमें बनाई गई हैं, जिनमें एक टीम ग्राम स्तर पर और दूसरी टीम जिला मुख्यालय पर अपना कार्य कर रही है। ग्राम स्तर पर गठित की गई टीम लोगों का कोविड 19 के साथ साथ सामान्य जांच का भी कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने वाले व्यक्तियों के पास कोविड किट भिजवाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और अब लोगों ने इकट्ठे बैठकर हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। आज जो है हम चार गांव का दौरा कर रहे हैं और उनमें से जो है भेड़ी महाराजपुर एक गांव है। इस गांव में आज हम आए, इनके चौपाल में हम बैठे थे। यहाँ के जो निवर्तमान सरपंच हैं वो हैं और गांव के और सभी तबके के और सभी एरिया के लोग बैठे। उनसे हमने यही डिस्कस किया, पूछा कि प्रशासन जो काम कर रहा है कि सैनिटाइजेशन आपके गांव में हुआ है या नहीं हुआ है, सेटिस्फैक्ट्री हुआ या नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि एक बार हो गया है, सेटिस्फैक्ट्री भी है और एक बार फिर से करवाया जाए। दूसरा ये है कि हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लागू करी है, अभी गाँव के हर आदमी का घर पर सर्वे करने का, जनरल हेल्थ जानने का, ना कि सिर्फ कोरोना से। तो उसकी जो है हर गांव में फील्ड टीम गठित कर दी गई हैं और उनके हेडक्वार्टर टीम्स भी हैं। तो इस गांव में भी जो टीम गठित की गई है उसका भी मैंने पूछा काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इन्होंने बताया कि मैडम घर घर आ रही है, हम सर्वे भी दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि अब लोग जागरूक हो गए हैं गाँव के और ये कह रहे हैं कि मैडम हमने हुक्का पीना या इकट्ठे बैठना बंद कर दिया है। तो जो ये नीचे तक सजगता गई है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना ही एडमिनिस्ट्रेशन लग जाए, कितना ही अस्पताल बन जाए, जब तक लोग खुद सजग होकर इस बीमारी से नहीं इसका कोई उपचार करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि मैंने SMO से जो आंकड़े लिए थे भेड़ी महाराजपुर गांव के, उसमें 15 तारीख को यहाँ पर टेस्ट किया गया था तो 34 केसेज में से सिर्फ एक पॉजिटिव केस हमारा मिला था। तो पॉजिटिविटी रेट भी जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरह यहाँ पर कम है। और 87 यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स थे, उसमें से 73 रिकवर कर चुके हैं। केवल 7 या 8 आदमी अभी होम आइसोलेशन में हैं। उनको भी जो है हमारी तरफ से किट भी पहुँचाई गई है और SMO जो है उनको ये निर्देश हैं कि उनसे फ़ोन करके पूछें कि उनके कैसी तबीयत है, इम्प्रूवमेंट है या डिटेरियरेशन है। जी, इसके बाद मैम अभी कहाँ कर रहे हैं? अभी हम भेड़ी मातो, भेड़ी चंद्रपाल और एक और भेड़ी सुरजन, तीनों भेड़ी जो है इसके बाद उनका हमारा दौरा करने का जो है आज प्रोग्राम। थैंक यू।